Students, we were discussing infrared स्पेक्ट्रोस्कोपी. हमने इसमें डिस्कस किया था कि इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होती है. अब कितने एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे किसी मॉलिक्यूल के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस हुए. सो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसमें एक ही फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी तो एक ही एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा. लेकिन अगर पॉलीएटॉमिक है तो वो डिपेंड करेगा उसकी कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. फॉर अ नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-6. सो उतने ही फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड होंगे. एन इज द नंबर ऑफ एटम्स इन दैट मॉलिक्यूल. अगर तीन एटम है तो 3n हो गया 9-3, फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड आ गए. अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-5, इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है, तो 3n-5 एब्जॉर्प्शन बैंड आएंगे. अब अगर n तो 2-3 है तो 4 है तो थोड़े से बैंड आए. अगर बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, n की नंबर मान लो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, तो बहुत सारे बैंड्स आने चाहिए. लेकिन इतने बैंड्स जितने एक्सपेक्टेड हैं उतने आते नहीं हैं. उसके रीजन हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि सम बैंड्स जो हैं दे आर वेरी वीक बैंड, रिकॉर्ड ही नहीं करता स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, कोई पीक ही नहीं आती. कुछ बैंड्स हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं तो वो बैंड एक दूसरे के साथ मर्ज होकर एक ही बैंड बना देते हैं, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स, ठीक है. और कुछ फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड्स ऐसे हैं जिनके लिए एनर्जी की जो लिमिट है वाइब्रेशन लेवल के एक जगह से दूसरी जगह के जाने के लिए, दैट फॉल्स आउटसाइड द इंफ्रारेड रीजन, इसलिए वो भी रिकॉर्ड नहीं होते, ठीक है. हाउएवर इंस्टेड समटाइम्स सम एडिशनल बैंड्स आर आल्सो ऑब्जर्व्ड. इनको कॉम्बिनेशन बैंड बोलते हैं, ओवरटोन बोलते हैं. वो अगर जहां जहां टर्म्स आएंगी कहीं वहां इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. एडिशनल बैंड्स भी बनते हैं. ये है सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है सिलेक्शन रूल. सिलेक्शन रूल क्या होता है कि कौन कौन सी वाइब्रेशंस हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है. इसको इस तरह से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू शो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, ठीक है. देखिए, मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस ए पोलर बॉन्ड. पोलर बॉन्ड होना चाहिए मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि पोलर बॉन्ड अगर होगा तो जब उसकी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगी अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो चेंज इन डाइपोल मोमेंट आएगा. चेंज इन डाइपोल मोमेंट मतलब फ्लक्चुएशन इन डाइपोल मोमेंट. फ्लक्चुएटिंग होगा, एक एक्सट्रीम पे कुछ होगा, दूसरी एक्सट्रीम पे कुछ होगा. जब ये फ्लक्चुएटिंग डाइपोल मोमेंट जो है अगर है तो ही IR जो है एब्जॉर्ब होगी, और अगर IR एब्जॉर्ब हुई तो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, ठीक है. अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं या जो मैंने वाइब्रेशन यहाँ पे लिखी अलॉन्ग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दे मस्ट बी एसिमेट्रिक नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक, ठीक है. तभी क्या होगा कि सेंट्रल एटम के दोनों एक्सट्रीम्स के साथ स्ट्रेचिंग हो रही है. एक एक्सट्रीम पे कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे पे कुछ और होगी, तभी नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है. अगर दोनों एक्सट्रीम पे सेम हुई तो दोनों से माइनस करेंगे तो नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो, चाहे उसमें पोलर बॉन्ड हो ही क्यों ना. सो द सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन. और यही इसका सिलेक्शन रूल है. सिलेक्शन रूल होता क्या है, सम जनरलाइजेशंस हैव बीन मेड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स.
फॉर इफेक्टिव वाइब्रेशंस, इसके आईआर में वाइब्रेशन है, इसलिए वाइब्रेटरी वाइब्रेशन के लिए इफेक्टिव वाइब्रेशन मींस वही वाइब्रेशंस जो आईआर को एब्जॉर्ब कर सकें। सो इफेक्टिव वाइब्रेशन वो होंगी जो सिलेक्शन रूल को फॉलो करेंगी, और सिलेक्शन रूल है क्या, जनरलाइजेशन है, एक कंडीशन है कि ऐसा होगा तभी ये वाइब्रेशन जो है वो आईआर को एब्जॉर्ब करेगी, तभी वो वाइब्रेशन इफेक्टिव वाइब्रेशन होगी। तो रूल इज क्या है, जो मैंने पहले ही बोल दिया, ओनली दोज वाइब्रेशंस आर इफेक्टिव इन कॉजिंग एब्जॉर्प्शन विच आर नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड CO बॉन्ड दो हैं, दोनों ही पोलर हैं, अब इस तरफ को भी बराबर स्ट्रेचिंग हो रही है, इस तरफ को भी बराबर स्ट्रेचिंग हो रही है, नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट जो है वो दैट विल बी जीरो, सो इट विल नॉट बी ऑब्जर्विंग एनी काइंड ऑफ व्हाट इंफ्रारेड। लेकिन दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे ये है मान लो सी डबल बॉन्ड हो लेकिन इस साइड को एच है, तो ये जो वाइब्रेशन होगी ये किसी और तरीके से होगी, ये किसी और तरीके से होगी, तो इनमें क्या होगा, एक एक्सट्रीम पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे पे कुछ और होगी, तो आईआर की एब्जॉर्प्शन होगी। सो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शो एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, सो दे एब्जॉर्ब आईआर इन देयर पर्टिकुलर रेंज। तो आईआर से हम मेनली फंक्शनल ग्रुप ही निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल OH अगर है तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास एब्जॉर्प्शन शो करता है, अगर कार्बोनाइल ग्रुप है तो 1700 के आसपास वो एब्जॉर्प्शन शो करता है। सो अगर वहां पे बैंड आ रहा है एब्जॉर्प्शन बैंड, तो इसका मतलब 1700 पे आ रहा है तो इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप होगा सी डबल बॉन्ड वो, अगर 3300 के आसपास आ रहा है तो OH ग्रुप होगा फंक्शनल ग्रुप OH। सो इस तरह से IR का जो है यूज किया जाता है किसके लिए, टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड कहाँ आएगी, तो जो स्पेक्ट्रम इस तरह से स्पेक्ट्रम होता है इसका कहाँ गया वो इसी के पिछली साइड हो गया, ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, हमने कल डिस्कस किया था कि ये राउंड 500 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाता है, और ये इस तरह का परसेंट ट्रांसमिट है, परसेंट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसमिटेंस करेगा तो नीचे को होंगी, एब्जॉर्प्शन करेगा तो ऊपर को होंगी, ये बात एक ही है, ये पीक्स इस तरह से आती है। तो ये इसकी रेंज हमने बताई थी 580 से लेके लगभग 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। अब इस स्पेक्ट्रम को हम दो डिफरेंट रीजन में डिवाइड करते हैं, वो कौन कौन से हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन नंबर वन, वो है जहां पे न्यू बार की वैल्यू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से 1250, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे OH अराउंड 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे अगर आई तो OH ग्रुप होगा भाई, उसमें सी डबल बॉन्ड वो 1700 से 1750 या 1690 तक भी जा सकता है, तो ये अगर आ रहा है तो भाई ये है कार्बोनाइल ग्रुप है पक्का, 2200-2300 पे आएगा तो CN सी ट्रिपल बॉन्ड है N साइनो ग्रुप पक्का होगा उसमें, तो ये 1250 से लेके 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, और अगर लैम्डा की टर्म में बात करें वेवलेंथ की तो 5.5 से इसकी 1250 वाले की होती है 8 माइक्रोमीटर, इसकी 5.5 माइक्रोमीटर इसकी 8। सो मोर इज द वेव नंबर, मोर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वाइब्रेशन। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन, अब 1250 से नीचे जो भी है उसको फिंगरप्रिंट रीजन होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होता है पर्टिकुलर होता है, अगर कोई दो कंपाउंड का सेम फिंगरप्रिंट रीजन है तो वो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, दे आर आइडेंटिकल, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के लिए फिंगरप्रिंट यूज किया जाता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम अगर सेम है कि नहीं दो कंपाउंड का 1250 से 500 की रेंज में, इसका मतलब बेसिकली कंपाउंड सेम है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बैकबोन सेम है, आई बात समझ में। तो फिर है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड,
फंडामेंटल एब्जॉर्प्शन होती किस वजह से है? चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ग्रेटर इज द चेंज इन डाइपोल मोमेंट ग्रेटर इज द एब्जॉर्प्शन, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। सो ज़्यादा डाइपोल मोमेंट कहाँ पे चेंज होगा? जहाँ पे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा। सो मोर पोलर इज द बॉन्ड, मोर इंटेंस इज द एब्जॉर्प्शन। अब फैक्टर अफेक्टिंग, हालांकि आपके सिलेबस में लिखा नहीं है, पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। देखिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट, जैसे सी ओ स्ट्रेचिंग मैं ले रहा हूँ, इसकी स्ट्रेचिंग, सी डबल बॉन्डों की स्ट्रेचिंग, अगर देखिए ये है तो 1750 पे आ रही है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ सी एच थ्री हो गया, यहाँ एच हो गया, प्लस आई इफेक्ट आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को आए 1750 से 1745। अगर मैं दो सी एच थ्री लगा दूँ तो 1740 हो जाएगा। बोलने का मतलब कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है आपका बॉन्ड वीक होता है, फोर्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, कमजोर होती है, और न्यू बार आपको पता ही है, न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी, हुक्स लॉ है, फोर्स कांस्टेंट अपॉन रिड्यूस मास। फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो न्यू बार भी कम होगा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो न्यू बार भी ज्यादा होगा। सो फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होता है जब प्लस आई इफेक्ट होता है, और जब माइनस आई इफेक्ट होता है तो फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। ये 1715 पे है, देखिए दो सी एच थ्री ग्रुप की इसकी, लेकिन यहाँ पे मैंने सी एल ग्रुप लगा दिया तो ये बढ़ गई, 1725 हो गई, इसने माइनस आई इफेक्ट शो किया। सिमिलरली रेजोनेंस इफेक्ट भी फोर्स कांस्टेंट को वीक करता है, इसलिए जैसे ये एसीटोन है इसकी 1715 पे सी ओ स्ट्रेचिंग, ठीक है, लेकिन जब रेजोनेंस वाला मॉलिक्यूल आ गया, एक सी एच थ्री हटा के ये ग्रुप लगा दिया हमने, तो यहाँ पे अब इस तरह का रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस पॉसिबल होने की वजह से ये 1690 सेंटीमीटर इनवर्स पे चली गई, कम हुई, वीक हुआ। इस तरह से पॉइंट्स और भी दिए हुए हैं आपकी बुक में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड वीक होता है, बॉन्ड वीक होता है तो फोर्स कांस्टेंट कमजोर होगा, फोर्स कांस्टेंट कमजोर होगा तो न्यू बार की वैल्यू कम होगी, ठीक है। न्यू बार इज योर जो सेंटीमीटर इनवर्स में हम लिखते हैं वेव नंबर। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है दो तरह की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर जो है वो ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड्स आएंगे, इंटरमोलिकुलर में शार्प बैंड्स होते हैं। इसके बाद आपकी किताब में दो तीन पॉइंट और दिए हैं, क्योंकि इसके बारे में वो आपने देखने हैं, सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट कर रहा हूँ। इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंटाइजेशन है भाई कैसे है, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। सैंपल बनाया, रेफरेंस सेल, बीम, जैसे मैंने यूपी में कहा था, वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक डायग्राम टाइप बनाई होगी किताब में, आपको तो सिर्फ सैंपल बना के उसमें रखना है, सारा काम वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करता है, उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग जो आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपको इस तरह का चार्ट मिल जाएगा, ये इस तरह का चार्ट जो है वो, अब इसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस भी होंगी और बेंडिंग वाइब्रेशंस भी होंगी। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को ज़्यादा एनर्जी लगती है बेंडिंग के मुकाबले में, एसिमेट्रिक होनी चाहिए, तो स्ट्रेचिंग थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लेवल पे आती हैं, बेंडिंग थोड़ी कम एनर्जी लेवल पे आती हैं, और इसके नीचे जो है वो 1200 के नीचे जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन होता है, 1200 से ऊपर जो है वो कौन सा रेंज होता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस तरह से अब आपका जो काम होगा वो याद करना होगा कि भाई कौन से सेंटीमीटर इनवर्स पे कौन सी वाइब्रेशन होती है, ठीक है। तो वो फंक्शन ग्रुप आपको पता लग जाता है, और फिंगरप्रिंट रीजन से अगर आप मैच करेंगे किसी नॉन कंपाउंड के, उसके साथ वो मैच कर रहा हो तो कंपाउंड वही हो गया। तो ये था आईआर के बारे में। नेक्स्ट आज के लिए इतने सफिशिएंट है, नेक्स्ट हम कुछ अब इसके ये स्पेक्ट्रा जो है वो स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।